नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कई बार आप सोचते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है इंग्लिश में है या हिंदी में है, वो कई और लैंग्वेज में हो जाए, यानी आप कई भाषा में अगर चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, तो सिंपल तरीके से हम एक प्लगइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपकी कंप्लीट वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर देगा। तो जस्ट जैसे आप नीचे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश है, अब हम अपनी वेबसाइट को हिंदी में बदलना चाहते हैं। जस्ट हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं और आप देखिए क्या बदलाव होता है। जैसे ही आप करेंगे, कंप्लीट वेबसाइट हमारी बदल गई। अब यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से ना हो गया हो। यहाँ तक कि वर्डप्रेस की डिटेल को भी आप देखिए, यहाँ पे भी बदलाव हिंदी में हो चुका है। तो इसके साथ ही आप पोस्ट पे चलें तो पोस्ट में भी आपकी सारी चीज़ें हिंदी में अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे अगर क्लिक करें, पोस्ट को देखें, तो हमारा पोस्ट भी ट्रांसलेट हो चुका है। तो ये प्लगइन एक हिसाब से बहुत अच्छी प्लगइन है। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, अगर आपको एक से अधिक लैंग्वेज में रखनी है। सबसे अच्छी बात इस प्लगइन में ये होगी कि हिंदी ही नहीं, बल्कि आप पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, जो भी आप चाहते हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस प्लगइन के बारे में जानते हैं कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी वेबसाइट जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाएंगे कैसे ये हिंदी में तुरंत ट्रांसलेट हो गया और बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए ऐड प्लगइन में चलते हैं। ऐड प्लगइन में यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, कन्वे दिस ट्रांसलेट। आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है। हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन हमें कॉन्फ़िगरेशन पेज पे चलना होगा। कॉन्फ़िगरेशन पेज के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे एक API की। तो API कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल इंसर्ट करनी है। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, प्लस आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुनना है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस प्लगइन के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली, जहाँ से भी मिली हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक करिए और रजिस्टर करिए। आप रजिस्टर हो चुके हैं, आपको अपने ईमेल में जाना है और उसको कन्फर्म करना है। आपने देखा, आपको एक ईमेल प्राप्त हुआ है। ईमेल पे यहाँ पे क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट करना है। हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से हमें प्लान चुनना है। हम अपने पहले प्लान पे चलते हैं जो कि फ्री है। इसके बाद में सेलेक्ट प्लान करते हैं। हमारा प्लान एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपने डोमेन पे चलते हैं, ऐड डोमेन करते हैं और यहाँ पे हम अपना URL इंसर्ट करते हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना है। आप अपनी वेबसाइट का URL होम पेज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करते ही आपके पास API आ जाएगा। इस API को आपको कॉपी करना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये भी है, इसका इस्तेमाल आप ब्लॉगर जैसी वेबसाइट या ऐसी कोई स्क्रिप्ट जो PHP में है और जो वर्डप्रेस में नहीं है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड को यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, जो भी लैंग्वेज आपको सेकेंड चाहिए उसको चुनिए और साथ में उसके बाद में ये स्क्रिप्ट कॉपी करिए और आपको बॉडी सेक्शन में पेस्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वर्डप्रेस, जो हमें ऑलरेडी एक प्लगइन प्रोवाइड है, तो हम इस API को वहाँ पे पेस्ट करते हैं। API पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने अपना API इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में सोर्स को क्या है आपका, हमारा जो सोर्स है वो इंग्लिश है। अब यहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज आ गए हैं। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मराठी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास मराठी है, आपके पास हिंदी है, आपके पास उर्दू है, आपके पास ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास गुजराती है, तो जो भी आपको चाहिए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करते हमारा सब कुछ एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। दोस्तों, वेबसाइट के नीचे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इंग्लिश पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आएगा।
हिंदी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे URL पे ध्यान दीजिएगा, URL पे /hi लिख के आ गया। आपकी कंप्लीट वेबसाइट आप देखिए हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है अच्छे तरीके से। ये दोस्तों देखा आपने, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है। अगर हम किसी भी पोस्ट पे जाते हैं, आप अपनी पोस्ट को भी देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर दी गई है। कोई भी पोस्ट आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे कि यहाँ पे नवीनतम नौकरियों पे हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपका पेज कम्प्लीटली जो है वो ट्रांसलेटेड है। ध्यान रहे आपके पास एक नया URL hi करके आया है, यानी आपका डोमेन नेम /hi उसके बाद में आपके पेज का स्लग। यहाँ पे देखिए आपकी कंप्लीट वेबसाइट ट्रांसलेट हो चुकी है। उसके बाद में आप कोई भी अगर पोस्ट खोल के देखते हैं तो वो ट्रांसलेटेड आपको मिलेगा, यानी बार बार आपको बटन पे क्लिक करके ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यूजर जैसे ही आएगा वो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा और उस लैंग्वेज में उसको अपनी वेबसाइट दिखने लगेगी। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखने लगी। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे इसको ट्रांसलेट इसने नहीं किया, जो इसकी अच्छी बात है, इसको अगर ट्रांसलेट कर देता तो बहुत अजीब सा रिजल्ट जो आपके सामने आता। और यहाँ पे इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इस प्लगइन को शायद बनाया भी गया है। तो आई होप अगर दोस्तों ये प्लगइन आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्लगइन है वो convaythis.com पे जा करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मौजूद है, वहाँ पे जाके क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और उसके बाद में इसका उपयोग करिए। तो एक हिसाब से दोस्तों ये प्लगइन ठीक ठाक है, अच्छी है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लगइन एक ही बार में पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर देता है। यूजर जैसे ही आएगा अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा और वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।